नमस्कार, मैसेंजर रूल आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम पाई और करोड़ा के बीच में यानी सीम लगती है वहाँ पर मौजूद है। हमारे पास खबर आई थी आग लगने की, तो बता दें कि यहाँ पर किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है और अज्ञात कारणों के कारण है जो ये खेतों के अंदर आग लगी है, क्योंकि फसल भी खड़ी हुई थी और जो तूड़ी यानी भूसा तैयार किया जाता है भैंसों का, वो भी खेतों में पड़ा हुआ था। अभी काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड दिखाइए, जो भाणा की साइड है यानी वहाँ पर पाई आ जाता है, तो उस साइड से ही आग है जो लगना शुरू हुई थी। और गांव इस साइड है जो गांव करोड़ा पड़ता है, और गांव करोड़ा की तरफ है जो आग लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना मिलती है तो फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां यहां पर मौके पर आपको नजर आएंगी, क्योंकि किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी कटाई शुरू थी, क्योंकि काफ़ी फसलें भी अभी तक है जो गेहूँ की खड़ी हुई है। और कूप की बात करें, यहाँ पर कूप के अंदर है जो यहाँ पर आग लग जाती है। देखिए इस साइड भी दिखाएँ और उस साइड दिखाएँ, पीछे भी कूप था शायद, वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी आग लगी है। और जब मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँचती है तो यहाँ पर काफ़ी मकसद के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया जाता है। तो यहाँ पर किसान भी हमारे साथ है। देखिए किसान है जो यहाँ पर भूसे को अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल का चारा होता है भैंसों के लिए जो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसी के अंदर आग लग जाती है। और जिस तरह से बता दें कि किसान भी हमारे साथ है, ताऊ जी कैसे आग लगी, आपको कुछ पता चला? कोई पता नहीं जी, पीछे तो आई है जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी आई थी, पीछे चल दी है पाई से, चल रही बहाने चली रोड पर चल रही है, आँधी आँधी पाई पहुँच, फिर बाने पहुँची, फिर अग कोड़े का अग चली गई, फिर रोक दी, ये इनकी बजाई है। ये कितना नुकसान हुआ जी? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ जी, ये 25 टहली दी थी पिछले साल की, और 10 किले ही थे इसके पहले, पिछले भी बहुत किले तो कणक के 5 किले खड़ी कर चले जी, अच्छा कम से कम 100 किले तो करीब तो होंगे, 100 के करीब, हाँ ज़्यादा बेचों कम। तो ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर ज़रूर पहुँची है, और बुझाने का प्रयास जो किया गया यानी एक अच्छा मौके पर पहुँच गई थी फायर ब्रिगेड। हाँ जी आ गई मौके पर आ गई थी। कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ी 4 थी, 3-4 गाड़ी थी। हाँ 3-4 बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, काम बढ़िया कर दी, हम गले आ गए थे। देखिए कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो भी मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा कार्य हमें लगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती। यहाँ पर किसानों का कहना है कि 3 से 4 गाड़ियाँ तुरंत मौके पर यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन साथ में जो हवा भी चली हुई थी उसी के कारण हवा चली हुई थी, एक बार मंदी होगी फिर तेज होगी हवा के तेज में, फिर तेज बढ़ गया आगे, एक दबकी फिर हवा तेज फिर हो गया, फिर पीछा जाएगा फिर ज़्यादा होगी। फिर आपके आपके भी फसल थी जी? कितना नुकसान हुआ? मेरे 2 किले चढ़ गए जी, 2 किले जी, यानी पूरे साल का तो वही चारा होता है जी, टाइम में काफ़ी फसल खड़ी भी हुई है। हाँ खड़ी भी हुई है, ये खड़ी है देखिए खड़ी। यदि फायर ब्रिगेड नहीं आती और भी ज़्यादा फैल सकती है, कहानी चलती जी, या नहीं आती भाई के 5.5 किले चढ़ गए जी, और दिहाड़ी करा जी ई भी हाँ जी, खड़े चढ़ के जमा न्यू ले, और दिहाड़ी लाग रहा करना ई भी कृपान पर लाग रहा, काफ़ी नुकसान हो गया उसका। हाँ जी खड़े चढ़ के जी, क्यों चढ़ गई उसकी, तो उसका नहीं रहा कुछ भी, दिहाड़ी पर लाग रहा रहो। देखिए वहाँ से दिखाएं कि पास में देखिए उस साइड से आग लगना शुरू हो जाती है, और जिस तरह से हमें सूत्रों के हवाले खबर मिलती है कि वहाँ पर आग फैल चुकी है, तो हम तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पहुँची, 3 से 4 गाड़ियाँ। और देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी एक अच्छा काम कर रहे हैं जो तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि आग है जो गाँव की तरफ भी जा सकती थी, क्योंकि उस साइड है जो गाँव करोड़ा पड़ता है। ये गाँव कहाँ से शुरू हुई थी जी? ओ पाई से जी। अच्छा जी ये पाई से आ रही है, और ये बाणा जी, और ये करोड़ा जी, पाई रोड है मान, उसमें चलते हुए यहाँ पर आई, पाई रोड से चली है, पाई रोड से फिर गांव में बढ़ गई, गांव में फिर गांव में चलते चलते फिर देखो जी जी सिलकर देखो जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए अभी भी आग जरूर है, लेकिन अभी भी मौके पर फायर ब्रिगेड जरूर है। यहाँ पर देखिए कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाइए, यहाँ पर ज़रूर मौके पर है, क्योंकि ताकि आग दोबारा न पकड़ सके। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आग को काबू पाने का प्रयास जो किया जा रहा है, और काफ़ी बताया जा रहा है कि जिसमें फाने भी थे और जिसमें गेहूं भी खड़ी हुई थी, 100 के करीब यानी 100 एकड़ के करीब यहाँ पर फसल बताई जा रही है। और साथियों जिस तरह से बता दें कि सरकार से और प्रशासन से भी गुहार हम लगाते हैं किसानों के, कि आखिरकार यहाँ पर प्रशासन अधिकारी यहाँ पर ज़रूर पहुँचे और एक बार यहाँ पर आकर देखे कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, और इन किसानों को जो मजदूरी भी करते हैं और गरीब किसान भी है, तो इनको मुआवजा भी सरकार की तरफ से ज़रूर मिलना चाहिए। तो क्या था जी? 10 किले ठेके पे दे, ठेके पे दे रहे 10 किले जी, हाँ जी ठेके पे दे, पिछले साल अभी तो पैसा दिया भी को नहीं इसका, ये पिछले तो
ਪਛਲੇ ਪਛਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਛਲੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਆਪ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ।